ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और चलिए बड़ी खबर का रुख करते हैं। बीकानेर के छत्तरगढ़ से ये बड़ी खबर है। प्रेमी युगल ने लगाया फंदा, छत्तरगढ़ के सादोलाई गांव की ये घटना है। छत्तरगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची है, तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीकानेर के छत्तरगढ़ से जहां पर प्रेमी युगल ने फंदा लगाया है, सादोलाई गांव की ये घटना बताई जा रही है। छत्तरगढ़ पुलिस अब मौके पर पहुंची है, तो प्रेमी युगल जिसने फंदा लगा लिया, जिसके बाद अब जानकारी मिली तो पुलिस यहां पर पहुंची है। परिवार वालों को जानकारी दी जा रही है, लेकिन बड़ी बात ये कि आखिर क्या वजह रही, किस वजह से इन्होंने फंदा लगाया, कहां ये फंदा लगाया, कौन है ये, पूरी जानकारी पुलिस जो है वो छानबीन कर रही है। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर ये है बीकानेर से, जहां छत्तरगढ़ से प्रेमी युगल ने फंदा लगा दिया है। सादोलाई गांव की ये घटना है और अब पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। बीकानेर के छत्तरगढ़ से बड़ी खबर, प्रेमी युगल ने फंदा लगाया, छत्तरगढ़ के सादोलाई गांव की घटना, छत्तरगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची है, तफ्तीश कर रही है क्या कुछ ये लोग हैं, कौन हैं, किस कारण से, किस वजह से इन्होंने फंदा लगाया है। परिवार वालों को जानकारी दी जा रही है, परिवार कौन है ये पता किया जा रहा है, तो पूरी तफ्तीश अब की जा रही है। लेकिन उससे पहले ये बड़ी जानकारी आपकी स्क्रीन पर, बीकानेर के छत्तरगढ़ से, और हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव हमारे साथ जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, क्या ये पूरी खबर है, क्या जानकारी? देखिए बेटा, ये दरअसल प्रेम प्रसंग का मामला है। चंपा है 18 साल की और प्रभु सिंह 23 वर्षीय, एक दलित है एक राजपूत है, इन दोनों में प्रेम प्रसंग था और प्रेम प्रसंग परवान नहीं चढ़ पाया। कहीं ना कहीं ये शादी करना चाहते थे, तो इन्होंने आज अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। एक खेत जो है, खेत के पास एक पेड़ पर फांसी लगाकर इन्होंने आत्महत्या कर ली है। पुलिस मौके पर है, ने बताया है कि प्रथम दृष्टया यही जानकारी आई है। और भी कई मामला है, ऐसा जो है सुसाइड नोट अभी तक जो है मिला नहीं है, वो तमाम चीजें दिखी जा रही है।